एमएस धोनी जितनी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उतने ही प्रसिद्ध वे विकेटों के पीछे अपनी तेजी के लिए भी हैं। इसका नजारा चेन्नई के स्टेडियम में देखने को मिला, जब धोनी ने वार्नर के विकेटों के पीछे तेजी दिखाते हुए स्टंप आउट कर दिया और वार्नर भी बिना अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों के निजी स्कोर पर थे, तभी हरभजन सिंह के एक गेंद पर उन्होंने कवर की तरफ तेज शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद से चूक गए। इसी बीच विकेटों के पीछे खड़े एमएस धोनी ने तुरंत गेंद को लपका और बिना कोई समय गंवाते हुए गिल्लियां भी खेल दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डेविड वार्नर को यकीन तक नहीं हुआ। इसके बाद जब उन्होंने अपना पैर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि शॉट खेलते वक्त उनका पैर हवा में था और वे आउट हो गए। यही वजह है कि वार्नर सीधे पवेलियन की तरफ चल दिए, जबकि अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा था। हालांकि थर्ड अंपायर द्वारा स्लो मोशन में देखने के बाद साफ हो गया कि वार्नर आउट ही हैं। वहीं धोनी की इस फुर्ती की कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोगों ने भी तारीफ की। आपको कैसा लगा है धोनी का जादुई स्टंप, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।